before he cut, as you can see here, and after. Wow, beautiful bobby cut. No, it was great, Vishyama, and this is not the first time. This is like a couple of times I've come here and I've got like a great treatment. I love the haircut and she's amazing. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Hello everyone, welcome to Shyama's Makeover. How are you all of you? I hope you are doing great. Kirkum achen apnara bhalo. So guys, dekha apne, this is amazing trendy bob haircut. Is garmi mein itni garmi hoti hai Delhi mein, I mean like you can just go for this haircut. This is special summer haircut. इतनी गर्मी में यू कैन कैरी दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल हेयर कट जो कि है शोल्डर टच हेयर कट. दिस इज कॉल्ड बॉब, ट्रेंडी बॉब हेयर कट. तो गाइज बताना चाहती हूँ सबसे पहले यही कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आइकन है इसको क्लिक करके ऑल, आई मीन लाइक फर्स्ट ऑप्शन को, ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा लाइक दिस. देन यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन कि आप मिस नहीं करेंगे मेरा वीडियो. फिर वीडियो में जाके लेटेस्ट वीडियो देखिएगा. सो आई आर यू वेटिंग फॉर सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ. एंड गाइज ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हेयर कट है और बताना चाहती हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इन डिटेल्स, मतलब सारी जितने भी मतलब इन डिटेल्स हेयर कट मैं सिखाने जा रही हूँ बैक टू बैक, स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स वीडियो होने वाली है. तो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस. जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. एंड यस, बताना चाहती हूँ कि वेन एवर माई असिस्टेंट एब्सेंस देन आई मेक अ वीडियो ऑन माई ट्राइपॉड. सो हियर माई क्लाइंट इज रेडी टू गेट हर हेयर कट डन. एंड यहाँ पे देखेंगे अगर आपकी सेंटर पार्टीशन करना है एंड उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन करने के बाद बैक से आपने रेडियल सेक्शन किया एंड देन उसके बाद यू हैव टू गो फॉर डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन. यहाँ पे हमने लिया क्या, डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन. अरे बातों बातों में तो बताना भूल गई गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले अगर आप देखोगे इनकी जो लेंथ है अभी शोल्डर बिलो शोल्डर है तो हम सबसे पहले इसको रेंडमली चॉप करने वाले हैं. जो मैंने अपने क्लाइंट से डिस्कस किया था कि मैम आई एम गोना कट लिटिल शॉर्टर फ्रॉम बैक साइड, तभी तो वो लुक आएगा. एग्जैक्टली एसिमेट्रिकल बॉब है. एज यू कैन सी दिस इज़ ट्रेंडी बॉब. इस गर्मी में आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो यू कैन जस्ट रिकमेंड दिस हेयर कट, इज रियली नाइस गाइज. तो यहाँ पे अगर देखोगे, सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जो सबसे पहला जो कट मैं कर रही हूँ वो मैं अपने ज़ीरो डिग्री में कट करना है. ठीक है, फर्स्ट क्या करना है आपने, पार्टीशन आपने डायगनल फॉरवर्ड करना है एंड उसके बाद आपने फिंगर लेना है एंड एकदम स्ट्रेट कट करना है इसको. राइट, आपको ज़ीरो डिग्री में ही कट करना है. सो मेक श्योर गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी तो समझ में आएगा कि इतना ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडी हेयर कट कर्ली हेयर में किस तरह से कर सकते हो. गाइस बात करते हैं नॉर्मल हेयर, लेकिन जब कर्ली वालों को कट करने की बात आती है तो थोड़ा सा यू नो टेंस में होते हैं हम लोग कि यार कर्ली हेयर कट को करना, कर्ली हेयर में यू नो पूरा प्रॉपर बॉब लुक देना लिटिल ट्रिकी. बट यस, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यही सिखाऊंगी कि कर्ली बालों को होल्ड कैसे करना है, कैसे काटना है, किस तरह से काटना है, कितना लेवल कट करना है. तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता ही है. और यहाँ देखेंगे आप, मैं बारीक बारीक थोड़ा थोड़ा करके ना होल्ड कर रही हूँ और उसके बाद कट कर रही हूँ. अब करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए सिंगल सीजर को मैंने पाम की तरफ फोल्ड कर लिया है. दोनों तरफ से मैं चेकिंग कर रही हूँ. चेकिंग इज़ ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चेकिंग करने के बाद मैंने देखा यस, थोड़ा सा मुझे अनटाइडी अभी भी नज़र आ रहा था, मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ. तो गाइस चेकिंग इज़ ऑल्सो अगेन अनदर पार्ट. चेकिंग को आप अच्छे से करते रहिएगा. अगर चेकिंग अच्छा नहीं होगा, अगर आपका वन थोड़ा सेंटीमीटर भी लंबा होगा हेयर कट तो ख़राब हो जाएगा. सो मेक श्योर चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चेकिंग करते रहिएगा और कट को बढ़िया तरीके से कीजिएगा. लास्ट तक देखिएगा, बार बार बता रही हूँ. अभी सिर्फ 4 मिनट्स की वीडियो है, 4 एंड 5 मिनट्स की वीडियो. अभी तो बहुत सारी चीज़ें सिखानी है. दोबारा से चेकिंग कर रही हूँ, दोबारा से चेकिंग किया और मैंने देखा कि समथिंग बेटर. सो गाइज क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा सेक्शन में क्या कर रही हूँ. जी हाँ,
पतला पतला सेक्शन लेना है जब भी आप बॉब करते हो, और कर्ली बाल है, शी हैज़ अ कर्ली एंड थिक हेयर, ऐसे सिचुएशन में पतला पतला सेक्शन ही लेना है आपने कट करने के लिए। दूसरी बात, जब आप कट करते हो बारीकी से कट करना है, सेक्शनिंग को ध्यान में रखना है और टेक्सचर भी चेक करना ज़रूरी है, ज़्यादा लिम्प होके ऊपर नहीं जाना चाहिए कट, ठीक है। अब देखिए, इस सेक्शन को आपने वर्टिकल सेक्शन लेना, दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन, और इसको मैं कट कर रही हूँ 45 डिग्री में। किस डिग्री में? 45 डिग्री में इसको कट करना है, मतलब थोड़ा सा झुका के कट करना है, राइट। उठा के कट करोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, जितना झुका के करोगे उतना ही आपका हेयर कट बहुत अमेजिंग होगा। 45 डिग्री में कट करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा नॉचिंग कर रही हूँ। मैंने आपको बताया इनके बाल थिक है और कर्ली है, शी हैज़ अ थिक हेयर, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हर नॉचिंग। नॉचिंग से क्या होता है, थोड़ा सा अनटाइडी आता है हेयर कट में, बहुत ज़्यादा स्टेप्स ज़्यादा नज़र नहीं आता है, ब्लेंडिंग नज़र आता है। और सबसे अच्छी बात है कि जब नॉचिंग करते हो देन यू कैन सी द यू नो टेक्स्चर ऑफ द हेयर, राइट। इस तरह से जब भी आप लेफ्ट के बालों को कट करोगे आपका फिंगर का डायरेक्शन टूवर्ड्स द अप रहेगा। बहुत ही लंबे बाल है, मतलब इतने लंबे थे उनके बाल और उन्होंने शॉर्ट करवाया है, तभी जाके वो लुक अमेजिंग आ रहा है, एज यू कैन सी हेयर बिफोर एंड आफ्टर। गाइज, देखा आपने, लेफ्ट सेक्शन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, अब आता है हमारा राइट सेक्शन। जब भी कभी भी आप राइट सेक्शन करते हो इस सिचुएशन में आपका फिंगर का डायरेक्शन टूवर्ड्स बॉटम रहेगा और सेंटर में ले जाके कट करना है। कहाँ पे ले जाके कट करना है? सेंटर में। तो देखते रहिए, चाहिएगा नहीं, अभी तो वीडियो काफ़ी बाकी है, जैसे कहते हैं ना पिक्चर तो अभी बाकी है, ऐसे ही ये वीडियो अभी बाकी है। इसमें लास्ट तक देखिएगा, ब्लो ड्राई का कुछ स्टाइल भी मैंने समझाया है, लास्ट तक देखिएगा। और ये भी देखिएगा कि विदाउट ब्लो ड्राई भी ये कट कितना प्यारा लग रहा था। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये है लास्ट सेक्शन, सेम जैसे अभी हमने सेकंड सेक्शन किया है, इस सेक्शन को भी आपने ऐसे ही कट करना है। अरे मैं तो बताना भूल ही गई, आपको पता है आई गिव ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस, और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ बात यही है कि गाइज फाइनली डेट हैज़ फाइनलाइज, डेट फाइनलाइज हो चुका है, और डेट फाइनलाइज होने का मतलब यही है कि अभी हमारी फिफ्थ बैच स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 23rd ऑफ मे। जी हाँ, इसी मंथ 23rd से 23 तारीख से 9:30 बजे से हमारी क्लास शुरू होने वाली है, ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस, जहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ, इन डिटेल्स वीडियो भी होती है उसमें। और आप अगर थ्योरी में वीक है, कलर में वीक है, तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। जी हाँ, इस अपॉर्चुनिटी को लीजिए, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ही है, जो कि आप लोग बहुत ही परफेक्ट होने वाले हो क्लास के दौरान। अगर आप बिगनर्स हैं, ये क्लास आपके लिए ऑसम है। अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट सोचते हो तो भी आप एक बार ज्वाइन करो, ट्रायल सेशन भी लीजिए, रियली गाइज ऑसम है। और अगर आप जानना चाहते हो कि स्टूडेंट्स के फीडबैक वीडियो देखना चाहते हो, जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स के फीडबैक है जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया है, लंदन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आई मीन लाइक फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, दे टेक क्लासेस, इंटरनेशनल क्लासेस ऑल्सो आई गिव। एंड मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि रियली में उनका फीडबैक वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करके देखिएगा, और मुझे पर्सनली कॉल कीजिएगा। माई कॉन्टेक्ट नंबर इज़ 9871369576। सो बुक योर सीट राइट नाउ एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सो गाइज, देखते रहिएगा वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऑल्सो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए प्लीज।
फिनिश फ्रॉम बैक साइड ऑल द हेयर कट। अभी मैं आती हूँ फ्रंट सेक्शन में। जी हाँ, बैक साइड के सारे वालों को कट करने के बाद अभी मैं आती हूँ फ्रंट सेक्शन में, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन, फ्रंट सेक्शन में जब भी आप आते हो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बड़े ही लंबे बाल हैं, लेकिन हमने लॉन्ग ही रखना है इसके लिए, थोड़ा सा एसिमेट्रिकल लुक के लिए। अब आपको क्या करना है, सारे बालों को बैक में ले जाना है और इस तरह से आपने कट करना है, और जो फिंगर का डायरेक्शन है टूवर्ड्स अप रहेगा। एज यू कैन सी दिस वीडियो सच अ ब्यूटीफुल, ज़रा देखिए इस वीडियो में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। फ्रेंड्स, ये क्यों लॉन्ग लग रहा है, क्योंकि हमने इसको लॉन्ग छोड़ा है। जी हाँ, जितना लॉन्ग आप इस तरह से रख सकते हो, बैक में ले जाके कट करना है आपने, ठीक है। देन यू कैन सी द लिटिल बिट ऑफ यू नो एसिमेट्रिकल इफेक्ट। तो चलिए गाइस, वो तो रहा लेफ्ट सेक्शन, अब हम आते हैं राइट सेक्शन में। राइट सेक्शन को भी आपने इस तरह से कट करना है। मेक श्योर जब कभी भी आप कट करते हो, आप ध्यान में रखना कि बाल ड्राई नहीं होने चाहिए। मैंने देखा इनके बाल ना ड्राई हो गए, फिर मैंने दोबारा से वाटर स्प्रे किया। वाटर स्प्रे करने के बाद अच्छे से कॉम कर रही हूँ, और इस तरह से टूवर्स बॉटम रहेगा आपका फिंगर का डायरेक्शन, और आपने सारे बालों को बैक में ले जाके कट करना है। सो गाइज, शी गॉट अ लास्ट टाइम हेयर कट, शी दिस इज़ हर थर्ड टाइम हेयर कट, लास्ट थ्री टाइम्स शी इज़ गेटिंग हर हेयर कट डन विद मी ओनली। बहुत पसंद आता है उनको मेरा हेयर कट, क्योंकि कहती है कि जो कर्ली हेयर लुक है वो एग्जैक्टली वैसा ही रहता है। तो देखिए गाइस, हेयर कट को जब आप देखते हो, उसको अच्छे से अगर आप करते हो, उसको इन डिटेल्स में वीडियो देखो, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब समझ में आएगा। मेरे कुछ भी वीडियोज़ हैं, अब स्किप मत कीजिए, जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट में जो मैं चेकिंग कर रही हूँ, चेकिंग के वक्त सारे बालों को पीछे ले जाना है, और उसके बाद इसको फिनिशिंग कर रही हूँ। दिस इज़ कॉल्ड फिनिशिंग, आई मीन लाइक दिस इज़ कॉल्ड फिनिशिंग स्टेप, लाइक फाइनल स्टेप, फिनिशिंग स्टेप, एज यू कैन सी, वॉट एवर यू वांट टू से। गाइस, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि विदाउट ब्लो डाई भी ये कट कितना ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मैनेजेबल है। जैसे कि अगर आप बैक से देखोगे, जी हाँ, कर्ली हेयर में कुछ ये हेयर कट ऐसा नज़र आता है। कर्ली अगर बाल है तो आप सिर्फ आपको क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है कि आपने क्रंच करना है, शैम्पू कंडीशनर करने के बाद कर्ल्स क्रीम लगा के इसको क्रंच अप करना है, राइट। एंड देन यू कैन सी विदाउट ब्लो ड्राई दिस इज़ द लुक। एक्चुअली विदाउट ब्लो ड्राई भी आप देख सकते हो, एकदम प्रेजेंटेबल लग रहा है ये कट। बट नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर ब्लो ड्राई, हेयर आई एम गोइंग टू डू ब्लो ड्राई। बताना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि शॉर्ट बॉब है तो सबसे पहले आपने स्मॉल ब्रश लेना है। इसमें दो तीन साइज़ के ब्रशेस से आपने इन्वर्ट्स करना है। ब्लो ड्राई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लो ड्राई के बाद मैं बताना चाहती हूँ गाइस, आपने हल्का सा आइनिंग भी कर देना है, तभी जाके वो इफेक्ट आप देख सकते हो, राइट। एंड एज यू कैन सी, आफ्टर ब्लो ड्राई देन आफ्टर आयरनिंग ऑल्सो, दिस इज Awesome! आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो और आपने कुछ सीखा नया इस वीडियो में,
इस ट्यूटोरियल में, तो ज़रूर मुझे अभी इसी वक्त कमेंट्स करके बताइए कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। क्या आप ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस के लिए रेडी हैं? अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो भी कमेंट्स कीजिए और मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और हाँ गाइस, लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, एवरीवेयर, सो दैट मैनी बिगनर्स, जो बिगनर्स सीखना चाहते हैं इस ब्यूटिफुल हेयर कट को, तो वो मेरा वीडियो देख के सीखे और ग्रो करे। मेरा यही मोटो रहता है गाइस कि मैं ओवरऑल जितने भी इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया हो, जितने भी बिगनर्स हैं, मैं उनको मेरे ईजी स्टेप्स ट्यूटोरियल से कुछ सिखा सकूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय बाय।